बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दा से दुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने बसने वाले इंसान हैं, अगर कोई परेशान है तो अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए, बीमारों को कामिल और मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए, जो आपके हक़ के अंदर बेहतर हो अल्लाह ताला सबको वो अता फ़रमाए। जो दोस्त बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार हैं, दुबले पतले हैं, जिस्म उनका फरबा नहीं है, ग़िज़ाएँ खाते हैं उनके जिस्म को लगती नहीं है, तो वो मैदे का इलाज करवाएं। मैदे का इलाज करने के बाद आज एक नुस्खा मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ, मिल्क शेक का नुस्खा है। रोज़ाना आपने सहरी के अंदर इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर आपका जिस्म फरबा हो जाएगा, जो भी डंट वंट है वो सारे के सारे निकल जाएंगे और आपका जिस्म बेहतरीन किस्म का हेल्थी हो जाएगा, कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। इस नुस्खे को ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें। जिनको ये मसला नहीं है तो वो भी ताकत हासिल करने के लिए, अपने जिस्म के अंदर कुव्वत को पैदा करने के लिए इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेझिझक इस्तेमाल करें, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। नुस्खा बताने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि टाइटल के अंदर मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक मौजूद है, सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई दोस्त खालिस रोगन बलसान, जंगली शहद, ज़ाफ़रान, सलाजीत या किसी भी किस्म की दीगर अद्वियात मंगाना चाहें, मेरे नंबर्स पर व्हाट्सअप बना हुआ है, उस पर रब्ता करके मुकम्मल डिटेल मालूम कर सकते हैं। मैदे का मसला हो, तेज़ाबियत अल्सर का मसला हो, दिल के अमराज हो, या जनाना और मर्दाना किसी भी किस्म का आपको मसला है, आप मशवरा लेना चाहते हो, नुस्खा पूछना चाहते हो या दवा लेना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करें। मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इंशाल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। नुस्खा सुन लीजिए। एक गिलास दूध, थोड़ा सा नीम गर्म हो या सादा दूध हो, ज़्यादा ठंडा ना हो, एक गिलास दूध लेंगे। उसके अंदर आपने दो केले, दो बनाना तोड़कर डाल देने हैं ग्राइंडर के अंदर, और सात खजूरें गुठली निकालकर, नरम खजूरें हों, छः से सात खजूरें उसके अंदर डालकर उसको आपने मिक्स करना है। उसमें चीनी, शहद और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खजूर की अपनी मिठास होती है तो वही काफ़ी है, केले की अपनी मिठास होती है। तो आपने उसको उसका मिल्क शेक बना लेना है। सिर्फ एक गिलास सुबह सहरी के वक्त ये पी लें। इससे एक तो आपको दिन को कुव्वत मिलेगी, कमज़ोरी का एहसास नहीं होगा, अगर प्यास की कैफियत महसूस होती है तो वो भी नहीं होगी, और जिसम अगर दुबला पतला है, कमज़ोरी का शिकार है, तो वो भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएगा। जिनको मसला नहीं है, कमज़ोरी का शिकार नहीं है, तो वो भी इस नुस्खे को बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है नुस्खा आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इससे फ़ायदा हो, रिज़ल्ट मिले, अच्छा फीडबैक आपका हो, तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। कल एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।